अब EPS 95 पेंशन धारकों को अपनी मुख्य मांगों के बारे में भूल जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। EPS 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं, 7500 रुपये प्लस DA और चिकित्सा सुविधा को फ्री किया जाए। क्या अब इन मांगों को EPS 95 पेंशन धारकों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि उनकी ये मांगें कभी भी पूरी होंगी? जी हाँ दोस्तों, ऐसा EPS 95 पेंशन धारकों ने कहा है। कुछ ऐसे EPS 95 पेंशन धारक हैं जिनका कहना है कि अब इन मांगों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से अनशन आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक भी अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब हम लोगों को इन मांगों के बारे में भूल जाना चाहिए। EPS 95 पेंशन धारकों ने गुस्से में आकर ये बेतुका बयान दिया है। हालांकि कुछ EPS 95 पेंशन धारकों का ये भी कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मुख्य मांगे 7500 रुपये प्लस DA और चिकित्सा सुविधा, ये मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम इन मांगों को पूरा करवा के ही मानेंगे। लेकिन वहीं कुछ पेंशन धारकों का कहना है कि अब इन मांगों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग अपनी ज़िंदगी के किनारे पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन करते करते ही हमारे बहुत साथी इस दुनिया से चले गए हैं और कुछ साथी कुछ दिनों में चले जाएंगे, इसलिए अब इन मांगों को हमको भूल जाना चाहिए। जबकि हमारे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका साफ साफ कहना है कि हम अपनी मुख्य मांगें जो हैं वो पूरी करवा के ही मानेंगे। वहीं उच्च पेंशन को लेकर भी पेंशन धारकों ने कहा है कि जिन लोगों को उच्च पेंशन, जो पेंशनर्स उच्च पेंशन के हकदार हैं, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है, लेकिन जो उच्च पेंशन के हकदार नहीं हैं, यानी कि जिन पेंशनर्स को इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई फायदा नहीं होगा, आखिर वो पेंशन धारक क्या करें? सरकार और EPFO सभी पेंशनर्स के बारे में समान सोचे और सभी की पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो दोस्तों, ये थी EPS 95 पेंशन से जुड़ी हुई खबर। यदि आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।